दोस्तों जय हिंद। रणबीर सिंह द वॉइस ऑफ अ सैनिक। जरूरी सूचना के साथ एसएससी जीडी के समर्थन में आज हम ट्विटर पर देख रहे हैं कि बहुत बड़ी जो है ट्रेंडिंग में आ रहा है कि परीक्षा पे चर्चा, माननीय प्रधानमंत्री जी पे सलूट और सलाम। अच्छी बात है, परीक्षा पर चर्चा हो रही है सर, लेकिन जो पिछले जो है 4 साल से जो धक्के खा रहे हैं एसएससी जीडी युवा 55,000, उनके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए मान्यवर। चर्चा हो कि वो जो 1 महीने से जो है नागपुर में अनशन पे बैठे, चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए मान्यवर, माननीय प्रधानमंत्री जी, चर्चा होनी चाहिए कि वो जो 3/4 जो ओवरीज हो गए इस लाल फीता शाही के शिकार, एसएससी की लाल फीता शाही के शिकार 55,000, चर्चा होनी तो चाहिए साहब, चर्चा होनी चाहिए कि जो पिछले 10 साल में जो 1205 नौनिहाल आत्महत्या किए वो किस वजह से किए, चर्चा तो होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए कि देश की संसद को सीआरपीएफ ने बचाया तो उन जवानों की पेंशन बंद क्यों कर दी गई, चर्चा होनी चाहिए, जो कि आजादी के बाद 2003 तक चालू थी। क्या गुनाह किया हमने मानवर? ये जो है मैं देशवासियों को भी बताना चाहूंगा कि जो अभी पिछले ट्रेंड भी हुआ था ज्वाइनिंग, दो एसएससी जीडी 2018 ज्वाइनिंग दी है, चर्चा तो होनी चाहिए कि ये ट्रेंड में क्यों कैसे आया, कोई ना कोई वजह तो होगी। ये गहन चिंतन का विषय। और आप युवाओं को, छात्रों को परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये जो मुद्दा है एसएससी जीडी युवाओं का, मेडिकल तीनों चक्र भी पार किए हैं उन्होंने और उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। संसद में माननीय सांसद भी उठा रहे हैं सवाल, पहले सवाल जब उठते थे तो उसका एक सॉल्यूशन होता था, लेकिन अब मुझे तो नहीं लग रहा आपके संज्ञान में चीज आए सोशल मीडिया के माध्यम से। दोस्तों अगर हमारी एसएससी जीडी युवाओं के ऊपर चर्चा, माननीय प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट अगर पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये मेरे दिल की बात, रणबीर सिंह युवाओं के साथ, एसएससी जीडी युवाओं के साथ, द वॉइस ऑफ अ सैनिक। दिन अच्छा जाए। थैंक यू सो मच।